हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश राय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्ट्रोक में। आज मैथ्स स्ट्रोक में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास एट से। क्लास एट का ये दूसरा वीडियो है मेरा। इससे पहले मैं एक वीडियो करा चुका हूं प्रश्नावली 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करा चुके हैं। आज हम लोग इस प्रश्नावली का सेकेंड क्वेश्चन करेंगे और क्लास एट का ये सेकेंड वीडियो होगा। और आप सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप क्लास एट के स्टूडेंट हैं, अगर मैथ आपको भारी लगता है, मैथ आपको समझ में नहीं आता है, तो निश्चित तौर पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम जो अभी ये क्वेश्चन कराने वाले या फिर इसका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम लोग को योज्य प्रतिलोम लिखना था। हम मैथ्स में रटाते नहीं है, समझाते हैं योज्य प्रतिलोम क्या है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, क्वेश्चन को डील नहीं करते हैं। अगर आपके दिमाग में ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तब कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि केवल एक्सरसाइज करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। अगर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया जाता है तो उनसे नहीं बनता। या कोई पूछ दे कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग को इसमें भरना है, लिखना है गुणन प्रतिलोम। तो बहुत सारे बच्चा इसमें से आप भी हो सकते हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम लिख देंगे, लेकिन पूछा था कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, किसे कहते हैं, तो नहीं बता पाते हैं। तो ऐसी पढ़ाई बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल ऐसी पढ़ाई नहीं करना है। यदि आप मैथ्स की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए शानदार क्लास होने वाला है, बहुत स्पेशल क्लास होने वाला है। यहाँ से आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरना है। यानी जो भी आपको ये दिख रहा है ना डॉट डॉट डॉट, ये खाली स्थान, इसमें आपको भरना है। भाई क्या भरना है, तो देखिए ऊपर वाले बॉक्स में कुछ संख्या लिखा हुआ है, कुछ नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि -13, 5/4, 4/-7, ये सब दिया हुआ है। और ये सारे नंबर का हमको क्या लिखना है, गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम जिसको सिर्फ व्युत्क्रम भी कहते हैं, याद रखेगा। सिंपली आपसे पूछा जाए किसी भी नंबर का व्युत्क्रम ज्ञात करें, तो वहां पे वही निकालना होता है, गुणन प्रतिलोम निकालना होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का अर्थ होता है उल्टा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्युत्क्रम होता क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, पहले वो समझते हैं, उसके बाद आप एक सेकंड में क्वेश्चन को भर देंगे। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे समझना है व्युत्क्रम, अथवा इसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना। प्रतिलोम दो तरह के होते हैं, एक योज्य प्रतिलोम और एक गुणात्मक प्रतिलोम। और योज्य प्रतिलोम का बहुत बेहतरीन वीडियो बनाए थे, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्यार भी मिला था उस वीडियो पे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो निश्चित तौर पे आप पहले वो वीडियो को देखिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का यानी योज्य प्रतिलोम का वीडियो डाल चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और इसके बाद आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा और आप दोनों में डिफरेंट कर पाएंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम दोनों में क्या डिफरेंट है, वहां से आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो यहां पर देखिए व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम, गुणात्मक या गुणन सेम है बस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये किसको कहते हैं, सबसे पहले ये चीज तो बहुत आसान है। पहले मैं टॉपिक को क्लियर कर रहा हूं। देखिए इसका पहले डिफिनीशन याद रखेंगे। इसका डिफिनीशन क्या है, जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो तो वे संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम
कहलाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो, यानी कोई दो नंबर को अगर आप गुना कर रहे हैं और गुना करने पर आपका गुणनफल एक आता है, प्लस का वन माइनस का नहीं, अगर एक आता है तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा, यानी वह उस नंबर का व्युत्क्रम कहलाएगा। ठीक है ना, पर फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लियर देखिए परिभाषा में लिखा हुआ है, जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो तो वे संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, तो यहां से कॉन्सेप्ट समझे, गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, क्या है। अब जैसे देखिए एग्जांपल में बता रहा हूं, यहां देख लीजिए, जैसे जैसे देखिए अगर आपको पूछ दे दू का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो दू को कितना से गुना किया जाए, दू को अगर मैं एक बाटा दो से अगर गुना करता हूं तो गुणनफल हमारा कितना आ गया, एक आ गया। ठीक है ना, इसीलिए दू का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, एक बटे दो। और या पूछे कि एक बटे दो का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो दो होगा, तो एक दूसरे का ही क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम। क्यों, क्योंकि दोनों को गुना करने पर गुणनफल कितना आ गया, एक आ गया। यही मेरा डिफिनेशन था, आई होप कि समझ रहे होंगे आप। चलिए एक और चीज बताते, जैसे कि अगर पूछ दे पांच बटा चार का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, क्लियर है, तो इसका होगा चार बटा पांच। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों को अगर मैं गुना करता हूं तो फिर से देखिए हमारा गुणनफल कितना आ गया, एक। इसीलिए पांच बटे चार का गुणात्मक प्रतिलोम चार बटा पांच आ गया। तो इतना तो समझ में आ गया आप लोग को। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि आपको लिखने का तरीका कैसे होता है वो समझे, जैसे दू का व्युत्क्रम आपसे अगर पूछेगा तो बोल देंगे एक बटे दो। क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं, अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। कैसे, तो देखिए ये दू है तो किसी भी संख्या के बाई में आप क्या लिख सकते हैं, वन। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसका अगर व्युत्क्रम पूछेगा दू के तो इसको उलट देंगे, दू बटे एक है तो हो जाएगा एक बटे दो। इसीलिए दू का कितना हो गया, एक बटे दो। अगर आपको पूछेगा पांच का कितना होगा तो एक बटे पांच, माइनस दू का कितना होगा तो माइनस एक बटा दो। माइनस का माइनस, साइन नहीं बदलेगा, ठीक है ना, केवल नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ताकि गुना करके गुणनफल क्या आना चाहिए, प्लस का वन याद रखेंगे। तो इतना आप समझ रहे होंगे। अब देखिए जैसे अगर आपसे पूछ दे तीन बटे सात का क्या होगा, तो कुछ नहीं, इसको उलट दीजिए, तीन बटे सात का सात बटे तीन हो गए। क्लियर है, तो आप आराम से इसको भर सकते हैं। चलिए एक बार इसमें हम तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर मान कर चलिए पांच बटे चार का व्युत्क्रम, ठीक है ना, व्युत्क्रम तो क्या होगा, चार बटे पांच हो जाएगा, पांच बटे चार का चार बटे पांच। क्लियर है, आई होप कि आप व्युत्क्रम पूरा समझ में आ गया होगा, कि व्युत्क्रम आई मीन गुणात्मक प्रतिलोम या फिर गुणन प्रतिलोम क्या होता है, किसे कहते हैं। अगर आपको डिफिनेशन पूछेगा तो आप एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं, यूं आप नहीं कहेंगे कि सर पांच बटा चार का चार बटा पांच, सात चार बटा माइनस सात का माइनस सात बटे चार, सिर्फ यूं ही नहीं बोलेंगे, उसको डिफिनेशन से आप जस्टिफाई भी करेंगे। क्लियर है, तो चलिए आपको अगर ये समझ में आ गया होगा कि गुणन प्रतिलोम क्या होता है, तो चलिए आपके लिए मैं अभी के अभी तुरंत जो आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताइए कि माइनस दो बटे तीन का व्युत्क्रम क्या होगा, जल्दी बताइए कमेंट के लिए। या फिर अगर आपको पूछ दे सात का कितना होगा, सात का व्युत्क्रम कितना होगा, जीरो का व्युत्क्रम कितना होगा, ये तीन आपका HW अभी के डेट में अभी मुझे तुरंत जस्ट कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए पहले और मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि चलिए मैंने इतना समझाया तो हमारे बच्चे इस चीज को समझ रहे हैं। क्लियर है, चलिए तो आप समझ गए होंगे, तो अब हम समझ गए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन को, सारणी को फिल करते हैं, भरते हैं, पहले इतना सारा कॉन्सेप्ट को समझ गया, तो चलिए भर रहे हैं इसको। अब देखिए पांच बटे चार का पूछेगा तो इसको क्या करेंगे, ऊपर में चार कर देंगे और नीचे में पांच कर देंगे, यानी पांच बटे चार का चार बटे पांच। ये किया हुआ था माइनस तेरह का एक बटा माइनस तेरह, क्योंकि जैसे मैंने दो का पूछा एक बटा दो, तो सिर्फ तेरह का पूछेगा तो एक बटा तेरह हो जाएगा, माइनस था तो माइनस लग गया। अब इसमें देखिए चार बटे माइनस सात का व्युत्क्रम क्या होगा, तो माइनस सात ऊपर चला जाएगा और चार नीचे आ जाएगा,
चार बटा सात तो सात बटा चार हो गया, माइनस का माइनस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप यहाँ पर वेरीफाई करके देखते हैं कि सही है कि गलत। चार बटे माइनस सात को गुना करेंगे माइनस सात बटे चार से, तो देख रही है ये कट गया और ये माइनस माइनस प्लस इससे भी कट गया, गुणनफल कितना आ गया एक, इसलिए हमारा सही है। अब देखिए इसमें देखिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको माइनस नहीं देना है, इसको उलट देना है, तो आठ बटे पांच हो जाएगा, आठ बटे पांच, क्योंकि देखिए माइनस और माइनस मिलकर क्या आ जाएगा प्लस, इसीलिए आप इसमें ये भर देंगे। अब देखिए ये भी आया है, माइनस एक का व्युत्क्रम क्या होगा, माइनस एक का व्युत्क्रम क्या होगा, तो माइनस एक ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि माइनस एक को अगर माइनस एक से गुना करते हैं, समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पर प्लस का वन आ गया, इसीलिए माइनस एक का कितना होगा माइनस एक ही होगा। तो देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को किए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो पॉज करके आप उसको उतार लीजिए और खुद से अदर अदर नंबर पे ट्राई कीजिए कि आप व्युत्क्रम समझ पा रहे हैं कि नहीं, व्युत्क्रम किसे कहते हैं, क्या है, पूरा चीज़ आप लोगों ने सीखा। आई होप कि ये आज का क्लास, ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और साथ ही आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक जुड़े रहिए मैथ्स स्टोर के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।